भोजपुरी दबंग्स को, क्योंकि बिल्कुल सेट हो चुके हैं बल्लेबाज और ऐसी डीप बैटिंग लाइनअप है कर्नाटका बुलडोजर्स की कि किस किस को आउट करेंगे। और ये स्टेज बहुत बढ़िया सेट है, तो अनदर 200 रन्स कमिंग अप आई थिंक। तो चलिए एक गेंद देखते हैं ओझा की, और फिर से मिसक्यूड है, ओ जज नहीं कर पाए, इंतजार करते रहे, पहले पीछे आते तो शायद ये कैच पकड़ सकते थे। और जिन्हें आदत नहीं है रात को लाइट्स के अंदर खेलने की, उनके लिए दिक्कत होती है। तो चलिए नीचे चलते हैं डगआउट्स के पास और पॉपी से बात करते हैं कि कौन उनके साथ खड़ा है इस समय। CCL5 is associated with a very noble cause this time, and that's the Big Brother Foundation. We have Mrs. Raina Joshi. Please, can you tell us a little more about the Big Brother Foundation? Hi. बिग ब्रदर फाउंडेशन जो है वो सी सी एल के साथ एसोसिएटेड है। दिस टाइम वी आर सपोर्टिंग 100 हार्ट सर्जरीज, एंड माई हस्बैंड वॉन्टेड टू गो इवन मोर बिगर, सो ही इज पुटिंग 1000 बक्स फॉर ईच रन दैट एवरी प्लेयर मेक्स। सो वी विश दैट एवरीबडी मेक्स लॉट ऑफ रन्स। वेल, दैट इज अ वेरी वेरी नोबल कॉज दैट यू गाइज आर एसोसिएटेड विद। वी ऑल्सो हैव मीनाक्षी फ्रॉम XXX एनर्जी ड्रिंक। You guys have been associated with CCL for a very long time. Can you just tell us a little more about the association? Hi, good evening. Yes, this time we are going bigger, as Raina said, that we are getting associated in a bigger way with Big Brother as well as XXX. So this time we're going all out over it. So that's all. Well, thank you very much for being with us, and hope which one is your favorite team? एनी टीम, बिकॉज कोई भी जीतेगा रन तो बनेंगे, और ज़्यादा रन बनेंगे ज़्यादा हार्ड धड़कते रहेंगे, यू नो। फॉर मी नो टीम इज फेवरेट टीम, ऑफकोर्स तेलुगु के लिए, ऑफकोर्स एक सॉफ्ट कॉर्नर बिकॉज दैट्स आवर टीम, तेलुगु वॉरियर आवर टीम, बट सी सी एल अगेन इज वेरी क्लोज टू अस। ओके ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, एंड बैक टू द स्टूडियो। थैंक यू पॉपी। 66 पर बिना कोई विकेट नहीं खोया अब तक कर्नाटका बुलडोजर ने। बहुत ही तेज और तेज शुरुआत तो है ही, लेकिन क्या जबरदस्त स्ट्रोक्स खेले, खास करके प्रदीप ने 40 पर बैटिंग कर रहे हैं 22 गेंदों के साथ, राहुल 26, ओझा है गेंदबाज और मनोज तिवारी बड़े एनिमेटेड नजर आ रहे हैं फील्ड पर। रोहन और होंगे अयास 5.3 ओवर और स्कोर देखिए, रन रेट 12 रन प्रति ओवर, और ये हाल तो पहले 6 ओवर में, ये तो आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत सख्त एक विकेट की जरूरत है, ये एज और शॉट गिरा, मुश्किल था मौका। कोशिश तो जरूर की, देखिए लेग स्पिन परख नहीं पाए, बहुत ही शॉट गिरा आयाज। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बैक ऑफ द हैंड पढ़ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज, लेग स्पिन डाल रहे हैं ओझा। यंग एक्टर हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। ये है भोजपुरी टीम और चेहरे से पता चल रहा है कि थोड़े टेंशन में है रोहन।
नए गेंदबाज रवि किशन, राइट आर्म मीडियम पेसर, पार्ले 2020 कुकीज एंड से गेंदबाजी करेंगे। वाइट बॉल, दर्शकों को याद दिला दे कि यह है ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज। छोटी गेंद पुल किया है, फील्डर मौजूद, लेकिन सिर्फ देखते हुए कि बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही अच्छा पुल शॉट खेला, छोटी गेंद रवि किशन की पोजीशन में है, क्रीज का इस्तेमाल किया, पीछे गए और आप देखें कितनी अच्छी पोजीशन में रोहन, राइट ऑन अंडर द बॉल। और जब जैसे हमने आज दिन भर देखा है, अगर गेंद के मिडिल में लगती है गेंद तो बाहर ही जा रही है बाउंड्री के। आजकल के बल्ले इतने अच्छे हो चुके हैं। बेहतर बॉलिंग, सही टप्पा याज। जी हाँ, जरूरी है कि यहां पर क्योंकि बल्लेबाज इतने अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ये सपोर्टर्स हैं कर्नाटका बुलडोजर्स के और खुशी उनके चेहरे पर जाहिर, तो क्योंकि इतने अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं बल्लेबाज तो आपको कंट्रोल करना है, टाइट लाइन एंड लेंथ डालें, रन्स इजीली ना दें, आउटफील्ड तेज है, फील्ड को अगर बीट करती है तो चार रन बनते ही बनते हैं। प्रदीप 40 नॉट आउट और ये अपील, लेकिन बॉलर का सपोर्ट नहीं, विकेट कीपर तो एक्साइट हो गए थे। वापस सही टप्पा, कर भी मामला हो सकता था। स्वीप किया, मिस फील्ड, चार रन। ये थोड़ी कोशिश और करते तो शायद रोक सकते थे, थोड़ा सा लेट स्टार्ट लिया उस गेंद को फील्ड करने के लिए, फुल टॉस गेंद और खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग, गई गेंद फाइन लेग की तरफ या लॉन्ग लेग की तरफ और शायद एंटिसिपेट नहीं किया था फील्डर ने कि गेंद उनकी तरफ आएगी। कर्नाटका बुलडोजर्स का स्कोर बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ 79। ओ ये मेरे ख्याल से नो बॉल देंगे अंपायर, लेकिन क्या ये नो बॉल होना चाहिए क्योंकि बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल किया था। अंपायर की सोच आपसे अलायदा है रोहन, स्टेप आउट किए थे लेकिन काफी ऊंची थी ये गेंद, आपकी बात सही है, स्टेप आउट किया था, दो कदम बाहर निकले थे। ये रूल कहता है कि जहां आप खड़े हो क्रीज पे तब वेस्ट के ऊपर अगर आप स्टेप आउट करें तो फिर नो बॉल नहीं होना चाहिए। अंपायर रवि किशन को समझाते हुए बहलाते हुए कि भाई बहुत ऊंची की थी आपने गेंद, और ये शॉर्ट गेंद की और फिर से गैप निकाला है राहुल ने, चार रन और मिलेंगे। ये रन रेट तो गजब का हो गया भाई, लगभग 13 रन प्रति ओवर रोहन, बिना किसी विकेट खोए वो भी, इस ओवर में अब तक 18 रन आ चुके हैं। प्रदीप 45 पे बल्लेबाजी कर रहे और राहुल 38 पर, कर्नाटका की टीम बहुत ही खुश। चलो
स्टार्टिंग है बॉयज। वाइड 19 रन अब तक इस ओवर में। और इस ओवर में हमने देखा रोहन रवि किशन के कुछ गेंद अच्छी डाले हैं, बीट भी किया बल्लेबाज को, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रही है। हर एक अच्छी गेंद के बाद दो लूज गेंद डाले हैं या वाइड डाले हैं या नो बॉल डाले हैं, इसी वजह से महंगा ओवर 19 रन दे चुके हैं अब तक। और एक वाइड। और जैसे आप कह रहे थे आयास की कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही है, लेकिन जैसे आपने आप कह रहे थे कि दो तीन सही गेंद भी डाले रवि किशन ने, कुछ रेवोल्यूशन भी आ रहे हैं गेंद पर, अच्छा रिलीज है, लेकिन दिशा सही नहीं, एक्शन भी सही है। और जैसे आप कह रहे थे कि रिलीज भी सही, देखिए सही गेंद, एक रन, पहले बॉल गैदर करेंगे। तो आखिरकार ये ओवर समाप्त हुआ 7 के बाद 88 बिना कोई विकेट हुए। ओझा आदित्य ओझा जो लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, और पहला ओवर अच्छा खासा डाला था उन्होंने, फिर से आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। कहीं ना कहीं मनोज तिवारी और उनकी टीम को बहुत जल्द एक विकेट प्राप्त करना होगा, ब्रेक थ्रू की जरूरत है। 45 पर है प्रदीप, 39 पर है राहुल, और स्कोर 7 ओवर में 88। तो जैसे कहते हैं लेदर हंट लग रहा है मुझे। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है लगता है कि 200 के ऊपर रन बनेंगे। कर्नाटक बुलडोजर्स का डगआउट, कैप्टन सुदीप शायद नंबर 3 पर आएंगे और काफी प्रसन्न, बहुत अच्छी शुरुआत मिली है अपनी, ओपनर्स के परफॉर्मेंस से कोई शिकायत नहीं हो सकती। अच्छा कॉम्बिनेशन भी है राइट लेफ्ट का, तो बॉलर्स को लाइन पकड़ के गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं अगर स्ट्राइक भी रोटेट हो तो। समझदारी से खेला, बॉलर 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 बॉलर, दो रन नहीं एक रन, कंफ्यूजन हाँ ना और फिर ना, और सही कॉल।
और भोजपुरी दबंग के खिलाड़ी जो है डगआउट में हैं, वो शायद सोच रहे होंगे कि कहां से ये मिलेगा ब्रेक थ्रू। शायद एक या दो गेंद ऐसी थी जो बल्ले को बीट की है अब तक। एनीथिंग पिच्ड अप इज बीइंग ड्रिवन, एनीथिंग शॉर्ट इज बीइंग कट और पुल्ड। That's nicely played. At six. Yes, picked the length up so early. Straight bat. Great follow through. And he got the maximum. और कितनी आसानी से ये छह रन के लिए मारा है। आज दिन भर हमने देखा यही पैटर्न रहा है, और ऐसे नहीं है कि छोटी बाउंड्रीज है, 65 यार्ड की बाउंड्री तो है ही, और स्ट्रेट बाउंड्री शायद ये जो लगाया छक्का ये कम से कम 70 गज का होगा। तो या तो बल्ले बहुत जबरदस्त मिले हैं सब प्लेयर्स को, सब बल्लेबाजों को, या बैटिंग भी बहुत अच्छी हुई है। 46 पर है राहुल और दो रन आसानी से लेंगे। अब रन्स लीक कर रहे हैं दबंग, कहीं ना कहीं इस लीक को बंद करना होगा, वरना ये 220-225 का टोटल उन्हें चेस करना होगा। दो रन मिलेंगे और इस दो रन के साथ 100 रन पूरे और राहुल के 50। 8 ओवर के बाद 100 बिना किसी नुकसान। पिछले ओवर में काफी माइलस्टोन्स पास किए कर्नाटका बुलडोजर्स ने, राहुल ने अपने 50 रन पूरे किए, अर्धशतक केवल 22 गेंदों में। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की है उन्होंने। कर्नाटका का स्कोर है 100 बिना कोई विकेट खोए हुए, और अभी भी 12 ओवर बाकी है, तो आप सोच सकते हैं कि कहां तक ये टोटल जा सकता है। प्रदीप खेल रहे हैं 46 पर, असगर राशिद खान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, राइट आर्म मीडियम पेसर। अब असगर मियां क्या ठीक है ना यहाँ पर ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं भोजपुरी दबंग्स को। बहुत ही सख्त जरूरत, एक विकेट, मैं कहूंगा एक नहीं कम से कम दो विकेट अब जल चाहिए। अब तक रन रेट है 12.5। बेहतरीन शॉट, 6 रन। रोहन आज के दिन में कितने सिक्सेस लगे हैं, आपने कुछ हिसाब रखा है? नहीं है यार, क्योंकि इतने सिक्सेस तो मैंने अपने करियर में नहीं लगाए थे। और ये इस छक्के के साथ प्रदीप ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। 52 पर खेल रहे हैं 28 गेंदों के बाद, और ये पहली ही गेंद राशिद की जो बाहर निकलकर स्टेप आउट लॉफ्टेड स्टेट ड्राइव, और सुदीप स्ट्रोक देखते ही समझ गए कि 6 रन के लिए जाएगा। और ये अपील, लेकिन शायद इनसाइड एज, अंपायर चील की आंखों, ऐसा लग रहा है कि चील की आई साइड से देख रहे हैं। देखिए ये था LBW शाउट, अंदरूनी किनारा लगा और इसीलिए नॉट आउट।
have to do it fast. You are asking for a victory. Review. करेंगे भोजपुरी दबंग की टीम. है ना, है ना? बड़ा लेट डिसीजन लिया रिव्यू करने के लिए रोहन. आपके ख्याल में इनसाइड एज था. अब देखना है कि थर्ड अंपायर क्या कहते हैं. शायद लेग स्टंप मिस भी कर रहा कर रही हो वो गेंद. रिव्यू के समय दोनों बल्लेबाज और भोजपुरी दबंग टीम पानी पी लेंगे. गर्म है वहां. तो पहले देखते हैं कि डिलीवरी सही थी या नहीं. बिल्कुल सही. तो नो बॉल का कोई खतरा नहीं गेंदबाज को. अब देखना है बल्लेबाज को क्या खतरा है. तो ये अंदर की तरफ इतनी आम अंदर की तरफ आई और क्या इनसाइड एज है या नहीं. और क्या अगर नहीं भी है तो ये गेंद स्टंप पर लगती या लेग स्टंप मिस करती. थर्ड अंपायर का निर्णय इंतजार कर रहे हैं हम. देखिए देखिए क्या हो रहा है. क्या लगता है आज? मुझे लग रहा है कि आपकी बात सही है लेकिन मैं अंपायर नहीं हूं ना थर्ड अंपायर हूं. और मुझे यह भी लग रहा है कि शायद लेग स्टंप मिस कर रही थी गेंद. बड़ा लंबा मैसेज दिया है थर्ड अंपायर ने अंपायर को. और अभी भी केवल मैसेज मिला है लेकिन डिसीजन नहीं दिया अब तक. हाँ ये है डिसीजन नो डाउट. जिनकी ऐसी स्टाइल है खान की कि गेंद विद द आर्म अंदर की तरफ आती. तो बैट्समैन को भी अब ये मेरे ख्याल से समझ आ गई है कि ज्यादा वैरायटी नहीं है वेरिएशन नहीं है. थोड़ा सा राउंड आर्म एक्शन और पिच इतनी सपाट है कि कोई टर्न नहीं है. बाउंस अच्छा है बल्ले पे आती है गेंद और स्कोरिंग काफी आसान. छोड़ी गेंद और कट किया है और देखना है. जी हां पैर से रोका वहां पर डीप पॉइंट फील्डर ने लेकिन तीसरे रन के लिए नहीं भागेंगे. 108 बिना किसी नुकसान. रन रेट अभी भी 12 रन प्रति ओवर के ऊपर. 100 हार्ट्स इनिशिएटिव रुदाया प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट. रोहन रन रेट तो बहुत ही जबरदस्त है लेकिन ओवर रेट जो है उसको सुधारना होगा. 9 ओवर के बाद 109 बिना कोई विकेट खोए.
ये है बैटिंग कार्ड कर्नाटका बुलडोजर्स का। अभी तक ओपनर्स महफूज, प्रदीप बना है 55, राहुल 50, स्कोर है 109 बिना कोई विकेट खोए हुए। तो बिल्कुल डोमिनेट किया है कर्नाटका बुलडोजर ने। अब तक 9 ओवर्स फेंके गए हैं, 109 है स्कोर, यानी 12 से ऊपर का रन रेट। चलो शैलेश बॉय, एक है आराम से फील्डर बैकअप पीछे, 110 बिना किसी नुकसान। शैलेश सिन्हा गेंदबाजी कर रहे हैं अब। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन। प्रदीप 56 पे, राहुल 52 पे, और यहां से अगर प्रति ओवर 12 रन बनाते हैं जो अब तक बनाते आए हैं तो स्कोर होगा 240। बेहतरीन शॉट, 6 रन, उम्दा शॉट। टप्पा को सही परका और बल्ला घुमाया, 6 रन। नो रन आ चुके अब तक इस ओवर में, 13 चौके 5 छक्के इस पारी में लगे हैं। अंदरूनी किनारा, 4 रन। तेरह रन अब तक इस ओवर में, 122 बिना किसी नुकसान कर्नाटका बुलडोजर। ओवर की समाप्ति पे स्कोर 123। भाई